please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. कहते हैं कि बुरा वक्त राजाओं को भी रंक बना देता है। वक्त की एक चाल थी जब राम रहीम राजा था, लेकिन आज जेल में मजदूरी करता है। राम रहीम तो जेल जाकर रंक हो गया, लेकिन अपने पीछे अरबों रुपयों का साम्राज्य छोड़ गया है। अब इस साम्राज्य की चाबी के लिए राम रहीम के परिवार और उसके चहेतियों के बीच जंग छिड़ी है। डेरे के खजाने की चाबी हासिल करने के लिए सब अपने अपने दांव चलने में लगे हैं और जेल में बैठा गुरमीत बेबसी से सब देख रहा है। बाबा राम रहीम वो शख्स जिसका हर दिन दशहरा होता था और हर रात दिवाली। उसी शख्स को कुकर्मों की ऐसी सजा मिली कि जेल जा पहुंचा। जो गुरूर के पहाड़ पर चढ़ बैठा था पल भर में जमीन पर आ गिरा। ना रूहानी ताकत काम आई, ना रुपए पैसे का जोर, ना पीछे खड़ी करोड़ों की भीड़ गुनाहों का हिसाब होने से रोक सकी, ना ही सत्ता तक पहुंच। इसी को वक्त का चाबुक कहते हैं, जिसके निशान पीठ पर नहीं तकदीर पर पड़ते हैं। वक्त की ही चोट ने बाबा राम रहीम का संत वाला मुखौटा उतार कर उसका असली शैतानी रूप सामने ला दिया है। बाबा तो जेल जा चुका है, लेकिन अरबों का साम्राज्य पीछे छोड़ गया है। बाबा के साम्राज्य में उत्तराधिकारी की जंग, किसको मिलेगी खजाने की चाबी? राम रहीम के डेरा सच्चा सौदा में एक चाबी की जंग चल रही है। वो चाबी है अरबों रुपए के खजाने की। इस जंग को जेल से लड़ रहे हैं राम रहीम और हनीप्रीत। चाबी हथियाने की कोशिश में लगा है बाबा का बेटा जस्मीन, और इसी चाबी को हथियाने के लिए विपासना बना रही है साजिश की एक अंधेरी सुरंग। डेरा सच्चा सौदा का शाह कहा जाने वाला गुरमीत जब से जेल गया है, डेरे के अंदर त्रिकोणीय जंग चल रही है। ये जंग है डेरे का उत्तराधिकार हासिल करने की, और इसके लिए ऐसी चालें चली जा रही हैं जो चौंकाने वाली हैं। क्योंकि डेरे की गद्दी पर नजर लगाए बैठा हर शख्स जानता है कि एक बार अगर इसकी चाबी मिल गई तो पैसा, पावर और शोहरत उसके पैरों में पड़ी होगी। डेरा सच्चा सौदा एक आलीशान साम्राज्य है। बाबा गुरमीत, हनीप्रीत या फिर बाबा का परिवार और विपासना, ये सब जानते हैं। इसकी चाबी अगर मिल गई तो वो 5 करोड़ भक्तों के भगवान बन जाएंगे, अरबों रुपए की जमीन जायदाद के मालिक बन जाएंगे। गद्दी मिलते ही सत्ता और राजनीति पैर धोने लगेगी। इसलिए डेरे में चाबी हासिल करने की जंग जारी है, और इस जंग का मुख्य किरदार बाबा राम रहीम चाहता है कि डेरा सच्चा सौदा पर उसकी चहेती हनीप्रीत का कब्जा होना चाहिए। 31 अक्टूबर को बाबा राम रहीम के बेटे को डेरा सच्चा सौदा का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया था, लेकिन बाबा राम रहीम ऐसा कभी नहीं चाहता था। वो अब भी चाहता है कि डेरे की कमान हनीप्रीत के हाथ होनी चाहिए। पहले भी राम रहीम अपनी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए अपनी मां नसीब कौर तक को जेल से बैरंग लौटा चुका है। दिल की लगी इसे ही कहते हैं जो सब भुला देती है। बाबा राम रहीम हनीप्रीत के लिए अपना घर संसार और हजारों करोड़ का कारोबार सब भूल बैठा है। इस वक्त वो जेल के भीतर है, और उसके साम्राज्य का हक उसके बेटे जसमीत को सौंप दिया गया है। लेकिन बाबा की असली इच्छा ये कभी नहीं थी। बाबा हनी को सौंपना चाहता है डेरे की चाबी। बेटे को चाबी मिलने से डरा बाबा, बेटा कर देगा बाप को किनारे। 25 अगस्त को जब बाबा राम रहीम जेल गया था, तब रोहतक जेल तक हनीप्रीत ही उसके साथ गई थी। उसी दौरान बाबा ने हनीप्रीत को ये भरोसा दिलाया था कि डेरे की चाबी उसके पास रहेगी।
क्योंकि बाबा मानता है कि अगर डेरा उसका बेटा चलाएगा तो उसे दरकिनार कर अपनी मर्जी करेगा। लेकिन हनीप्रीत जेल में बैठे बाबा की कोई बात नहीं टालेगी। लेकिन हनीप्रीत को जेल जाना पड़ा और बाबा का दांव इसलिए सही नहीं पड़ा। हनीप्रीत के जेल जाने के बाद से ही डेरे की चाबी की जंग तेज हो गई। जब हनीप्रीत फरार थी उसी दौरान बाबा की मां नसीब कौर उससे मिलने जेल गई थी। नसीब कौर चाहती थी कि डेरे की संपत्ति घर में ही रहनी चाहिए, इसलिए बाबा राम रहीम की मां ने उसे कहा था कि वो एक पेपर पर दस्तखत करके जसमीत को डेरा सच्चा सौदा का उत्तराधिकारी घोषित कर दे। लेकिन बाबा ने अपनी मां को जेल से बेरंग लौटा दिया क्योंकि बाबा को उम्मीद थी कि हनीप्रीत जेल नहीं जाएगी और डेरा भी वही संभालेगी। दरअसल हनीप्रीत और बाबा के परिवार में आपस में बिल्कुल नहीं बनती है। बाबा के परिवार को हमेशा ही हनीप्रीत से शिकायत रही है। हनीप्रीत को बाबा अपने परिवार से ज्यादा मानता था। यहाँ तक कि हनीप्रीत ही बाबा के परिवार को गुजारा भत्ता तक देती थी। बाबा को तो हनीप्रीत अपने वश में कर चुकी थी। बारी थी उत्तराधिकारियों को किनारे लगाने की। ये कहानी शुरू होती है 2015 में। 2015 की शुरुआत में बाबा अपने फूड प्रोजेक्ट रेंज MSG बाजार में उतारने वाला था। इसी दौरान हनीप्रीत ने अपना पासा फेंका। 2011 से बाबा का बेटा जसमीत इंसान सिरसा में किंग्स बिस्किट के नाम से एक फैक्ट्री चलाता था। MSG प्रोडक्ट लॉन्च पर हनीप्रीत ने जसमीत की फैक्ट्री को MSG के साथ मिलाने की बात रखी। जसमीत ने अपनी फैक्ट्री MSG में मिलाने से इनकार कर दिया। हनीप्रीत की बात टालने पर बाबा राम रहीम अपने बेटे जसमीत इंसान पर भड़क गया। हनीप्रीत के कहने पर बाबा ने दबाव बनाकर जसमीत की बिस्किट फैक्ट्री को MSG ब्रांड में मिलवा दिया। जसमीत की महीने की कमाई 15 से 20 लाख रुपए थी, लेकिन हनीप्रीत ने उसका रोजगार ही बंद करा दिया। जसमीत की फैक्ट्री बंद कराने के बाद हनीप्रीत ने बड़ी चालाकी से बाबा के परिवार का खर्च बांध दिया। हनीप्रीत बाबा के परिवार को देती थी पगार। हनीप्रीत जसमीत इंसा को 5 लाख रुपए महीना देती थी। बाबा की बेटी अमरप्रीत और चरणप्रीत को 5-5 लाख रुपए महीना पगार देती थी। बाबा राम रहीम को डर है कि अगर डेरा उसके बेटे के हाथ में रहा तो धीरे धीरे जसमीत उसके सारे अधिकार हड़प लेगा। इसलिए बाबा हनीप्रीत को डेरे की चाबी सौंपना चाहता है। लेकिन इस बीच एक और शख्स है जिसकी डेरे की चाबी पर नजर है और जो डेरा प्रबंधन के साथ मिलकर बाबा और हनीप्रीत के खिलाफ साजिश कर रही है। राम रहीम यानी डेरा सच्चा सौदा का भगवान और हनीप्रीत हरदम उसका हमसाया। लेकिन जब दोनों ही जेल में बंद हैं तो डेरे की हजारों करोड़ की संपत्ति पर विपसना की पैनी नजर है। डेरे के साम्राज्य पर नजरे गड़ाए बैठी है डेरे की ही चेयरपर्सन विपसना इंसा। हनीप्रीत और राम रहीम के जेल में रहते विपसना एक गहरी साजिश रच रही है। विपसना ये तो जानती है कि बाबा अब जेल जा चुका है, लेकिन उसको लगता है कि हनीप्रीत अगर जेल से छूटी तो वो चाबी हड़पने की जंग हार जाएगी। इसीलिए उसने हनीप्रीत को जेल में ही रखने का प्लान बनाया है। राम रहीम और हनीप्रीत दोनों ही जेल में अपने दिन काट रहे हैं और दोनों ही किसी तरह सलाखों से बाहर निकलने की जुगत में लगे हैं। डेरे की उस पुरानी रसूखदार ऐशो आराम की जिंदगी पाने के लिए तड़प रहे हैं। लेकिन दोनों को ठिकाने लगाने के लिए डेरे के अंदर एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। हनीप्रीत इस मुगालते में है कि उसके और बाबा के जेल में रहते डेरे में कोई पत्ता तक नहीं हिल सकता, लेकिन विपासना डेरे की चाबी के लिए साजिश की सुरंग खोद रही है। डेरा सच्चा सौदा की चेयरपर्सन विपासना इंसा ने राम रहीम और हनीप्रीत को अपने रास्ते से हटाने का एक प्लान बनाया है।
इस प्लान के तहत विपासना राम रहीम और हनीप्रीत के खिलाफ केस में गवाह बनने वाली है। हम ऐसे बाप हैं जो दुश्मनों के लिए अकेले ही काफी हैं। भरी कचहरी में विपासना अपना मुंह खोलेगी और राम रहीम हनीप्रीत का पत्ता हमेशा हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। हजारों करोड़ की संपत्ति की मालकिन बन जाएगी विपासना इंसान। विपासना पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। ऐसे में वो गिरफ्तारी से बचने के लिए बाबा और हनी के खिलाफ बयान दे सकती है। इससे बाबा और हनी जेल में ही रहेंगे और विपासना डेरे की कर्ता धर्ता बन जाएगी। हालांकि विपासना राम रहीम की पुरानी वफादार है, इसलिए जब विपासना से ये सवाल पूछा गया तो उसने इसे सिरे से खारिज कर दिया। पुलिस ने आपको ऑफर दिया है कि आप अगर नहीं गवाह बन जाती है तो आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? नहीं, ऐसा भी नहीं है कुछ। गुरु जी ही गद्दी नशीन थे, हैं और रहेंगे। राम रहीम के रिश्तेदार और डेरे के राजदार भूपेंद्र सिंह भी यही मानते हैं कि विपासना बाबा के खिलाफ तो गवाही देने में हिचकिचाएगी, लेकिन हनीप्रीत को जेल में रखना उससे उसका मकसद पूरा जरूर हो सकता है। एक बार जो बात चली थी बाहर जाने की, उस टाइम बलात्कारी बाबा ने कहा था भी विपासना देखेगी सारा काम काज, तो आज उसको ये भी, बाबा तो जेल में गया, उसको ये भी पता भी बाबा बाहर नहीं आएगा, उसको ये भी पता भी कहीं ना कहीं हनीप्रीत भी इतनी जल्दी बाहर नहीं आ पाएगी, तो उनको है भी, इसलिए मैं, मेरा नंबर लग सकता है। उपासना से यही बात होगी भी आपको बनाया जाएगा और आप डम्मी रहोगे और जैसा जसमीत और जस्सी बोलेंगे ऐसा ही आपने करना है, तो वो इस बात में सभी जो वहाँ पर लगे हुए। राम रहीम के जेल जाते ही डेरे में उत्तराधिकारी की लड़ाई की खबरें पहले दिन से ही उठ रही थी। हनीप्रीत और बाबा के जेल जाने के बाद राम रहीम और हनीप्रीत के बाद डेरे का बड़ा नाम विपासना ही है। ऐसे में विपासना डेरे की चाबी हथियाने के लिए ये चाहती है कि हनीप्रीत कभी जेल से बाहर नहीं आनी चाहिए। संदीप बोल बड़ी खबर दे रहे हैं। अमेरिका के टेक्सास में एक बंदूकधारी ने एक चर्च में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे 26 लोगों की मौत हो जाने की खबर है। अमेरिकी मीडिया की खबरों के मुताबिक सैन एंटोनियो इलाके में एक चर्च में ये हमला वहां के वक्त के मुताबिक सुबह 11:30 बजे हुआ। हमलावर ने जब हमला किया तब चर्च में करीब 50 लोग मौजूद थे। इस हमले में 20 से ज्यादा लोगों के जख्मी हो जाने का दावा भी किया गया है। पुलिस ने बंदूकधारी की मौत हो जाने की जानकारी दी है। संदीप बोल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संदीप, किसी तरह पुलिस और चश्मदीदों का कोई प्रतिक्रिया सामने आई है क्या? देखिए, जो घटना हुई है उसमें ये जरूर पता लगा है कि जितने लोग मारे गए हैं, तकरीबन अब जो संख्या है वो 27 बताई जा रही है कि 27 के आसपास लोग जो है मारे गए हैं, जिनमें की उम्र जो है वो 5 साल से लेकर 70 साल तक की उम्र के लोग हैं इसने। और ये कह सकते हैं कि 9/11 के बाद इस तरह की घटना जो है, एक बड़ी घटना जो कि अमेरिका में घटित हुई है, जिसमें कि एक बंदूकधारी ने चर्च में घुसकर जो अंधाधुंध फायरिंग की, जिस वक्त एक प्रेयर चल रही थी, तकरीबन 50 लोग वहां पे मौजूद थे और अंधाधुंध फायरिंग में जो है, क्योंकि ये क्लोज फायरिंग थी, तो उसमें जो है 27 के आसपास जो है लोग मारे जाने की खबर आ रही है और काफी संख्या में लोग घायल भी हैं। घायलों की संख्या 20 से 30 के बीच में बताई जा रही है। अभी हालांकि इनका इलाज जो है अस्पतालों में चल रहा है। मौके पर जो है FBI मौजूद है। बताया जा रहा है कि इसकी पहचान भी कर ली गई है, जो शूटर है उसकी पहचान कर ली है। हालांकि इसकी भी डिटेल्स जो है वो फिलहाल नहीं जारी की गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये
पूरे पिछले एक हफ्ते में ये तीसरा एक ऐसा अटैक है अमेरिका में। इससे पहले भी हम लोगों ने देखा था, न्यूयॉर्क में एक शख्स ने गाड़ी से जो है तकरीबन 8 लोगों को कुचल दिया था, और उसके बाद वो गाड़ी से निकलकर बाहर निकलकर बहुत जोर से शोर शराबा कर रहा था। अब वहीं दूसरी तरफ जो है खुद डोनाल्ड ट्रंप जो है इस पूरे मसले पर जो अपनी नजर बनाए हुए हैं, और हो सकता है कि जो मृतकों की संख्या वो बढ़ सकती है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि जो है वहां के प्रशासन की तरफ से होगी, उसके बाद ही जो है कोई नतीजा जो है इसमें निकल पाएगा। और ये भी नहीं पता लग पाया कि आखिर ये हमलावर जो है इसके पीछे की मंशा क्या थी, क्योंकि अभी जांच जो है वो जारी है। शुक्रिया संदीप। और अमिताभ सिन्हा बड़ी खबर दे रहे हैं, खोजी पत्रकारों के विश्व संगठन ICIJ यानी द इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स ने दुनिया के कुछ सबसे ताकतवर 120 से ज्यादा राजनेताओं और कंपनियों के काले धन और फर्जी कंपनियों के जरिए होने वाले लेन देन का पर्दाफाश किया है। इनमें भारत की भी कई बड़ी हस्तियां शामिल हैं, आने वाले दिनों में जिनके काले धन के लेन देन को लेकर बड़े राज बाहर आ सकते हैं। ICIJ ने अपनी पड़ताल को पैराडाइज पेपर्स नाम दिया है। खोजी पत्रकारों के संगठन ने एक जर्मन अखबार को मिली एक करोड़ से ज्यादा गुप्त दस्तावेजों का अध्ययन किया। दस्तावेजों के आधार पर काला धन और काला धन की हेरा फेरी और लेन देन करने वाली दुनिया भर की 19 ऐसी कंपनियों का पता चला है जो फर्जी कंपनियों के जरिए बड़े लोगों का पैसा दुनिया भर में निवेश करते हैं। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं। अमिताभ, भारत की किन हस्तियों का नाम हो सकता है हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं अमिताभ भारत की किन हस्तियों का नाम हो सकता है देखिए दो चीजें साफ है, और ये काफी अरसे 3-4 दशकों में जिन कंपनियों ने टैक्स को अवॉइड किया है, टैक्स से बचते हुए दूसरे जगह दूसरे ऑफशोर फंड में इन्वेस्ट किया है, मनी लॉन्ड्रिंग जिन्होंने की है, दुनिया भर के दूसरे जो आइलैंड है वहां पैसे इन्वेस्ट किए हैं, उन सब का एक खुलासा है जिसमें राजनेता भी हैं और बड़ी कंपनियां भी हैं। तो जाहिर तौर पर दुनिया भर में इसको लेकर हंगामा मचेगा भी। आपको याद होगा वोल्कर रिपोर्ट आई थी, उस पर भी हंगामा मचा था, बर्मुडा पेपर्स आए थे, और आपको याद होगा पनामा पेपर्स लीक हुए थे। तो इन तमाम चीजों के बाद ये पैराडाइज पेपर्स जो जर्मनी से लीक हुए हैं, तो ये एक मुश्किल पैदा करेंगे, और खासकर उस समय दुनिया भर में इसका असर तो पड़ेगा ही क्योंकि बड़े बड़े राजनेता हैं। लेकिन भारत में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ब्लैक मनी के खिलाफ मुहिम चला रही है, काले धन को सामने लाने की बात कर रही है, काले धन वालों को जेल की सलाखों के पीछे डालने की बात कर रही है, उन सब वो कितना कार्रवाई कर पाती है ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि चुनावी माहौल में अगर ऐसे लीक हो रहे हैं और ऐसे इंडियन कॉरपोरेट्स और इंडियन पॉलिटिशियंस का नाम आ रहा है, तो जाहिर तौर पर भारत सरकार के लिए भी एक कड़े कदम उठाने के लिए उचित मौका है, और काले धन के खिलाफ लड़ाई जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है उसके लिए भी बड़ा मौका है। जी शुक्रिया अमिताभ। वहीं अरुण कुमार बड़ी खबर दे रहे हैं, नोटबंदी के बाद करीब 35,000 कंपनियों ने 17,000 करोड़ से ज्यादा की नकदी बैंकों से निकाल ली जिन्हें नोटबंदी के वक्त जमा किया गया था। सरकार ने ये जानकारी एक प्रेस रिलीज जारी करके दी। जानकारी के मुताबिक काले धन के खिलाफ जारी जंग के तहत अब तक लंबे वक्त से बंद पड़ी 2,24,000 करोड़ कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है, और ऐसी कंपनियों के 3,00,000 से ज्यादा डायरेक्टरों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। कॉरपोरेट कंपनियों में नकली डायरेक्टरों पर नकेल कसने के लिए सरकार ऐसा सिस्टम बना रही है जिसके तहत नए डायरेक्टरों की नियुक्ति पैन और आधार नंबर के बिना नहीं की जा सकेगी। तो नोटबंदी के बाद करीब 35,000 कंपनियों ने जो 17,000 करोड़ से ज्यादा की नकदी बैंकों से निकाल ली जिन्हें नोटबंदी के वक्त जमा किया गया था, ऐसी खबर ये सरकार ने ये जानकारी दी है। प्रेस रिलीज के जरिए ये जानकारी दी गई है। अरुण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अरुण, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मतलब उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई? देखिए निश्चित रूप से, क्योंकि काले धन पर लगाम लगाने को लेकर के सरकार ने नोटबंदी की थी, और आज सवाल जरूर पूछा जा रहा है प्रधानमंत्री से इस नोटबंदी का फायदा क्या हुआ। विपक्ष लगातार आक्रामक है और 8 तारीख को पूरे देश में काला दिवस मना रहा है,
लेकिन जो आंकड़े आए हैं सामने वो बताते हैं कि किस तरह से लगभग 17,000 करोड़ रुपए काले धन को सफेद किया गया था 35,000 कंपनियों में। और ये कंपनियां शेल कंपनी है यानी फर्जी कंपनियां हैं जो गलत पते से और सही नामों से, यानी उनके जो डायरेक्टर हैं वो तो सही हैं लेकिन एक डायरेक्टर कई कई कंपनियों में शामिल है और इस तरह से काले धन को सफेद करने का बड़ा कारनामा हुआ है। अब जो सरकारी एजेंसियां हैं ईडी वगैरह वो इसकी जांच कर रही हैं और कहा यह जा रहा है कि एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो रिकवर होगा क्योंकि इन कंपनियों ने वो पैसा काला करके सफेद तो कर लिया है। आगे से सरकार एक स्टेप और भी उठाने जा रही है कि अगर डायरेक्टर किसी कंपनी का बनना है तो आपको अपना आधार नंबर भी लिंक कराना होगा उससे, ताकि आप मल्टीप्लिसिटी जो कई कंपनियों में एक साथ डायरेक्टर बन जाते हैं उसको रोका जा सके। तो एक बड़ा कदम सरकार की तरफ से उठाया गया इस खुलासे के बाद। जी शुक्रिया अरुण। अमेरिका के टेक्सास में एक गिरजाघर में प्रार्थना कर रहे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर एक हमलावर ने 26 लोगों की हत्या कर दी। सऊदी अरब में राजकुमार मंसूर बिन मोकलेन की यमन के पास हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत। खोजी पत्रकारों के संगठन आईसीआईजे ने पैराडाइज पेपर्स नाम की अपनी जांच में दुनिया के 120 से ज्यादा बड़े नेताओं के काले धन का पर्दाफाश किया, कई भारतीयों के भी नाम। हिमाचल की चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी ने तंज कसा कि हार को पहले से तय मानकर कांग्रेस के नेता मैदान छोड़कर भाग गए हैं। चेन्नई में तमिलनाडु के सीएम डीएम और पुलिस कमिश्नर का कार्टून बनाने वाले कार्टूनिस्ट को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जर्मनी के एक नागरिक ने यूपी में सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज रेलवे स्टेशन के सुपरवाइजर पर मारपीट का आरोप लगाया। भोपाल गैंगरेप को लेकर असंवेदनहीनता दिखाने और मामले को सिरदर्द बताकर हंसने वाली डीआरपी की एसपी अनीता मालवीय का तबादला। दर्द हो गया मेरा तो। न्यूज 18 इंडिया ने 17वें इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड में साल की सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार जीता। काफी डिप्रेशन में, कभी घर वाले याद आते हैं तो कभी अपना जख्म याद आता, तब कभी अपनी डिग्री याद आती है, सोचता हूँ पूरा का पूरा बेकार हो।